फ्यूल इनटेक या जो स्क्रू होता है उसको कम्प्लीटली बंद करना, जो कि राइट साइड को वो बंद होगा। ये जो है कार्बोरेटर के नीचे एक स्क्रू होता है, अच्छी वाली बाइक्स में ऐसे ही होता है। ये हम तकरीबन इसको 2000 रुपये सेट करते हैं और क्वालिटी ऐसी होती है फिर यहाँ वहाँ। फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग जो है वो बेस्ट हो चुकी है इसकी। जो मिक्सचर सेटिंग के बाद ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, फिर हाफ सेल पे देखें बाइक स्टार्ट हो जाती है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी बाइक का फ्यूल मिक्सचर कैसे सेट कर सकते हैं। फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो बाइक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाइक की परफॉर्मेंस के लिए, आपकी जो एवरेज है आउटपुट के लिए, जो भी आप आउटपुट लेना चाहते हैं बाइक से वो उसका ज़रा डिपेंडेंट होता है आपके फ्यूल मिक्सचर के साथ। बेसिकली ये जो पेट्रोल वाले इंजन होते हैं वो इस तरह वर्क करते हैं, लाइक एक सर्टन अमाउंट ऑफ एयर और जो है फ्यूल की जो वो आपस में मिक्सअप हो के उसका मिक्सचर बन के उसके बाद ये कम्बशन प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद फिर जो है आपकी गाड़ी की आउटपुट आती है। तो इसकी आपस में जो मिक्सचर की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप अपने बाइक की जो है फ्यूल मिक्सचर को कैसे सेट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम आपकी अगर बाइक की फ्यूल मिक्सचर जो है वो लीन होगा वो उसकी आपकी एवरेज तो अच्छी होगी बट उसकी जो है परफॉर्मेंस वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन इसी तरह अगर आप इसके फ्यूल मिक्सचर इसका जो है वो रिच होगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसमें एवरेज में बहुत ज़्यादा यानी कि आप एक्स्ट्रा फ्यूल जो है जो बगैर किसी वजह के वो जो है वो बर्न करते जाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको बेस्ट जो है उसकी मिक्सचर की सेटिंग है वो आपको बताएंगे। हम इसकी सेटिंग जो है वो आप करेंगे YBZ पे, तो आपको उसकी सारी सेटिंग बताएंगे और परफेक्ट जो फ्यूल मिक्सचर सेटिंग है वो आपके साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएगा। सो लेट्स जंप इनटू इट। ये जी सबसे पहले जो हमारा ये प्रोसेस में सबसे पहले आपने जी जो फ्यूल मिक्सचर है ना वो कम्प्लीटली बंद कर देना है आपने। फ्यूल जो है फ्यूल इनटेक या जो स्क्रू होता है उसको कम्प्लीटली बंद करना है, जो कि राइट साइड को वो बंद होगा। उसके बाद जी इसमें आपने RPM को थोड़ा सेट करना है। पहले सबसे पहले हम उस मिक्सचर को जो है बंद कर लेते हैं। ये जो है कार्बोरेटर के नीचे एक स्क्रू होता है, आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं। ये वाला स्क्रू होता है जिसको आपने बंद कर देना, जो कि राइट साइड को जब आप स्क्रू को घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो बेसिकली होता ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं इसको करना, इसमें आप सिंपली इसको राइट साइड की थ्रेड की तरफ बंद करना शुरू करेंगे तो हल्का सा जैसे ही वो आपको फील ऐसा हो के बंद हो रहा है, हो चुका है, तो वहाँ पे आपने रोक देना इसको। उसके बाद ये इस टाइम ये बंद हो चुका है, ठीक हो गया जी। अच्छी वाली बाइक्स में ऐसे ही होता है, अच्छी बाइक्स में ऐसे ही होता है। इसके बाद जो है हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट की है और इसका एक स्पेसिफिक RPM सेट कर लेते होते हैं, जो अप्रॉक्सीमेट आप 2000 भी कर सकते हैं, 4000 भी कर सकते हैं। ये हम तकरीबन इसको 2000 पे सेट करते हैं। ये अभी 2000 से थोड़ा नीचे है, थोड़ा और करो। और क्वालिटी ऐसी होती है फिर यहाँ वहाँ के ऑलमोस्ट 2000 हो चुके हैं। इसके बाद अब इस मिक्सचर को इसके बाद आप खोलना शुरू करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे RPM ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे ये इसको मिक्सचर को खोलेंगे और RPM ये देखें।
यहाँ पे आरपीएम ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, फिर एक लेवल पे आके जो है आरपीएम मैक्सिमम हो जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। जब वो वहाँ से रुक जाएंगे देन फर्दर हम फिर एक अभी 2000 तक ही हैं, एक ड्रॉप हो गया ना। हाँ आप ये देखें आरपीएम थोड़े ड्रॉप हो रहे हैं और बाइक का साउंड भी आप देख सकते हैं कि अब 2000 से भी नीचे आ चुके हैं आरपीएम, तो बाइक का साउंड भी देखते हैं। दिखेगा अभी उसको वापस हम जो है वन टर्न वापस लेके जा रहे हैं, जैसे कि आप दिखाते हैं आपको कि ये एक टर्न जो है वो वापस कर दिया इसको उसे, हाफ टर्न जो है वो वापस किया, जिसकी वजह से आरपीएम फिर ज़्यादा हो चुके थे और ये अब फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग जो है वो बेस्ट हो चुकी है। इसकी जो आप जो है काउंटर चेक भी कर सकते हैं, उसको प्लग वगैरह को थोड़ा सा चलाने के बाद दोबारा आप प्लग, फिर इस सेटिंग के साथ आपने 700 से 800 किलोमीटर जो है वो चलानी है बाइक, और उसके बाद आपने प्लग को चेक करना है। प्लग अगर आपका प्लग की जो टिप है वो ब्राउनिश कलर की होगी तो उससे ये साबित होता है कि जो फ्यूल मिक्सचर जो है सेटिंग वो प्रॉपर है, अदरवाइज़ अगर लीन मिक्सचर होगा तो वाइट सी टिप होगी, अगर रिच मिक्सचर होगा तो वो ब्लैक टिप होगी। सो दैट इज़ इट, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मिक्सचर सेटिंग के बाद ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, सेटिंग के बाद अगर आप फर्स्ट सेल्फ पे हाफ सेल्फ पे देखें बाइक स्टार्ट हो जाती है, तो ये इसके साबित होता है कि मिक्सचर जो है वो प्रॉपर हो चुका है इसका।